हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है समीसिंग क्लास में। तो इस क्लास में हम डेली वर्ड मीनिंग जो यूज़ होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा पहला वर्ड है, कम, ठीक है? कम आना, आना। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिगिनर लेवल में होते हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जिससे कि आप सुन सुनकर प्रोनाउंसिएशन सीख सकें कि किस तरीके से बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे जन को बोलते नहीं बनता है, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते नहीं बनता है। तो वो सारे लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है? तो पहला वर्ड है हमारा कम। हिंदी में क्या होता है इसका अर्थ? आना, ठीक है? आना, कम आना। गो, गो जाना, जाना। नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप का मतलब है सोना, ठीक है? सोना, हिंदी में सोना बोला जाता है, मतलब कि वो वाला सोना नहीं, चांदी हीरे मोती सोना, वो वाला सोना नहीं, ठीक है? स्लीप का मतलब होता है सोना, जैसे कि आप रात में सोते हैं ना, वो वाला सोना, ठीक है? वीप, WEEP, वीप का मतलब होता है हिंदी में रोना, रोना, ठीक है? लाफ, लाफ, LAUGH, लाफ, ठीक है? इसका मतलब होता है हिंदी में हंसना, हंसना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं। किल, किल का मतलब होता है जान से मारना, ठीक है? जान से मारना मतलब हत्या कर देना, ठीक है? बीट, BEAT, बीट का मतलब होता है पीटना, ठीक है? जैसे कि किसी को कोई पीटता है ना, जैसे कि स्कूल में प्रोफेसर टीचर लोग अपने बच्चे लोगों को, अपने बच्चे नहीं मतलब जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और वो अपना होमवर्क नहीं करते हैं या, ठीक है, परेशान करते हैं किसी को, तो उसे टीचर पीटता है, ठीक है? आजकल तो बहुत कम हो गया, तो उसे बीट का मतलब पीटना, ठीक है? सी, सी देखना, देखना। लुक, LOOK, लुक देखना, देखना, इसका मतलब भी देखना होता है, ठीक है? सी और लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है? रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। टीच, TEACH, टीच का मतलब होता है हिंदी में पढ़ाना, पढ़ाना, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो टीच कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? पढ़ाना, पढ़ाना। हियर, HEAR, हियर सुनना, सुनना, ठीक है? सुनना। से, SAY, से कहना, कहना, ठीक है? कहना, कहना मतलब कि जब आप किसी से कुछ बोलते हैं तो आप किसी से कुछ कहते हैं, है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं से और हिंदी में कहना, ठीक है? नेक्स्ट है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना, सीखना, ठीक है? जैसे कि इस वीडियो में आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ठीक है? सीखना। ईट, नेक्स्ट है ईट का मतलब होता है हिंदी में खाना, खाना। नेक्स्ट है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक का मतलब होता है हिंदी में पीना, ठीक है? पीना। प्ले का मतलब होता है खेलना, खेलना, प्ले खेलना। सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना, ठीक है? कोई जब गाना गाता है उसे सिंग बोला जाता है इंग्लिश में और हिंदी में गाना, ठीक है? गाना को गाना, ठीक है? मतलब कोई सॉन्ग है उसे गाना। कीप, नेक्स्ट है कीप, इसका मतलब होता है हिंदी में रखना, ठीक है? जैसे कोई वस्तु है आपके पास, मान लो सपोज आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है हाथ में और उसे आपने टेबल में रख दिया, तो उसे बोलते हैं रखना, कीप, ठीक है? मोबाइल को आपने टेबल पर रख दिया, हिंदी में रखना और इंग्लिश में कीप, कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, ठीक है? फीड, नेक्स्ट है फीड, FEED, फीड का मतलब होता है खिलाना। जैसे कि सपोज किसी के पास डॉगी है ना, कुत्ता है, तो वो अपने कुत्ते को, डॉगी को खाना खिलाता है, ठीक है? तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में फीड, खिलाना, खिलाना। यहाँ पर हमारे 20 वर्ड कंप्लीट होते हैं। तो आई होप ये जो सारी नॉलेज आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी अपने इंग्लिश की जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ा सकें, ठीक है?
और दोस्तों जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप हसलिंग।